अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह की करम से। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं आई हूँ यहाँ पर शॉपिंग पर। पेंटालूंस क्रेसी जी ज़बरदस्ती लेकर आ गए हैं। कोई शॉपिंग का मूड नहीं था, ना तो कोई प्रोग्राम था। एक्चुअली ये है 29 अक्टूबर, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपसे, क्योंकि एडिट नहीं हो पा रहा था। और ईद मिलादुन्नबी का मैंने कहा पहले डाल अपलोड कर दिया जाए। तो बस यहाँ पर देख रहे होंगे आप, पेंटालून में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और मुझे तो काफ़ी अच्छा पसंद आया। पार्टी वेयर कैजुअल वेयर दोनों ही बहुत अच्छे थे। और यहाँ पर देखिए, मैं ट्राई करके देख रही हूँ, तो क्रेसी जी को दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। ये कैजुअल वेयर में आएगा, ये कुर्ती है, अब काफ़ी अच्छी थी। और एक ड्रेस और लिया है मैंने। तो अभी कपड़ों की शॉपिंग तो हो गई है, कुरैशी जी ने दिलाए हैं, ड्रेसेस दिलाए हैं। और बोल रहे हैं, वो उनका ये रहता है कि ले जाओ, ये नहीं कि एक लेना है दो लेना है। तो अभी मैंने दो ड्रेस ली हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो काफ़ी मतलब कॉस्टली लगता है ये पेंटालून, लेकिन उनको मतलब थोड़ा ब्रांडेड रहते हैं, तो ये तो रहता ही है, कॉस्टली तो रहते ही हैं। तो अभी मेरे कपड़ों की शॉपिंग हो गई है। और यहाँ पर मुझे बैग भी लेना थे, तो मैं बहुत देख रही हूँ, बैग मुझे कुछ पसंद नहीं आए तो मैंने नहीं लिए। और यहाँ पर देखिए, ये पार्टी वेयर कलेक्शन बहुत अच्छा कलेक्शन था। कुछ भी बस यही है, कॉस्टली होता है लेकिन आपको पसंद आ जाता है। और सबसे अच्छी बात है, साइज़ अवेलेबल होते हैं, कुछ भी पसंद कीजिए साइज़ अवेलेबल होते हैं। तो मैंने दो ड्रेसेस यहाँ से ही ली हैं, और अभी दिवाली का ऑफर भी चल रहा है। तो शॉपिंग तो मेरी डन हो गई है, लेकिन फिर भी देखते हैं, वही लेडीज़ का होता है ना, देखें कहीं ये देखना है कहीं वो देखना है। तो शॉपिंग तो डन हो गई है। यकीन मानिए, कुरैशी जी मुझे बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही फोर्स करके लेके आए हैं, क्योंकि आज एनिवर्सरी है और कोई प्रोग्राम नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो शॉपिंग करा देते हैं। और मेरी शॉपिंग हो गई है, तो अभी मैं वापस जा रही हूँ। तो कुरैशी जी बोलने लगे हैं कि चलिए आपसे थोड़ा घूमने चलते हैं। कुरैशी जी बोलते हैं कि चलिए यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ इलाइट पर है ये पेंटालून और सदर, चलते हैं और डिनर वगैरह करके आते हैं साथ में। तो मैंने कहा नहीं, बच्चे नहीं हैं, तो बच्चों के बगैर क्या इन्जॉयमेंट के। एक्चुअली बच्चों को घर पे छोड़कर आए थे, तो बस वही है ना कि बच्चे नहीं हैं, तो फिर डिनर, मैंने कहा नहीं है, तो बस कुरैशी जी ने पैक करा लिया। तो यहाँ पर हम लोग डिनर पैक करा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा है ये सदर बाज़ार है, हमारे यहाँ का सदर बाज़ार है। यहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट, होटल वगैरह, और घूमने फिरने का हम लोग मतलब झांसी में जो भी हैं यहीं पर। ड्रेसअप हो गई हूँ, और जो ड्रेस लाई थी मैंने वही वेयर कर लिया। कुरैशी जी बोल रहे थे वेयर कर लो, और क्योंकि पूरा दिन तो ऐसे ही रहा, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं, बस शाम को ही थोड़ा शॉपिंग पर गए थे। नाइट ड्यूटी कर कर आए थे कुरैशी जी, तो सो गए थे, फिर शाम को उठे, तो बस वही हम लोग शॉपिंग पर चले गए। और कुछ ऐसा एनिवर्सरी का प्री प्रोग्राम नहीं था, ना प्री प्लानिंग थी, ना कोई मूड था हम लोगों का, तो बस थोड़ा सा रेडी हो गई। मैंने ये ड्रेस पहन लिया है क्योंकि कुरैशी जी ने इतने प्यार से दिलाया था, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं, क्योंकि पूरा सारा दिन तो हमारा ऐसे ही गया, कुछ ड्रेस अप वगैरह नहीं किया। कुरैशी जी क्योंकि आए थे 11-12 बजे आए थे दोपहर में, और फिर क्या है, खाना खा के वो सो गए थे, क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए थे तो वो सो गए थे। फिर बस हमारा भी वही घर का काम और रूटीन, वही बच्चों का, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अब शाम को मैंने कहा चलो थोड़ा सा ड्रेसअप हो जाऊँ, ये क्योंकि उन्होंने दिलाया है इतने प्यार से, तो मैंने कहा चलो पहन लेना चाहिए। और थोड़ा सा बस बहुत दिनों बाद मेकअप किया है, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगाई है, तो मैंने कहा कुरैशी जी ने ड्रेस दिलाया था तो चलिए इसको ड्रेसअप कर लें और थोड़ा सा तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं हमें, हमारा मन नहीं होता है तब भी करने पड़ते हैं, दूसरों की खुशी के लिए करने पड़ते हैं, क्योंकि ये समाज है, समाज में क्या है, सबसे मिलके बनता है समाज, एक रिश्ता तो होता नहीं है समाज में कि उसको ही निभा के चलना है, और भी रिश्ते होते हैं तो उनको भी देखना है, उनको भी सजा के संवार के रखना है। तो बस यही सब देखते हुए मैंने ड्रेस कर लिया, मन भी नहीं था, लेकिन पूरा दिन तो निकल ही गया है, लेकिन बस अभी बच्चों को खाना लगाते हैं, और तो चलिए चलते हैं नीचे और बच्चों को लगा देते हैं खाना, क्योंकि उनको लग रही है भूख, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, क्योंकि खाना तो कुरैशी जी ने ला के रख दिया था और उनको कोई काम से जाना था, क्योंकि दिन भर से नहीं निकले थे ना घर से। तो बस मैंने कहा मैं घर पे ही बनाऊंगी खाना, लेकिन बोले नहीं खाना नहीं बनाओगी तुम, डिनर नहीं बनाओगी, मैं वो कभी नहीं बनवाते मेरे
बर्थडे होता है तब भी मतलब लंच वगैरह तो बना लेते हैं, लेकिन डिनर के लिए रेस्ट दे देते हैं, बोलते नहीं डिनर नहीं बनाओगी, तो मेरा बर्थडे होता है तब भी नहीं मैं बनाती हूँ, एनिवर्सरी हुए इस तरह से, बाहर जाएं या नहीं जाएं घर पे ही अरेंजमेंट हो जाता है। अभी मैं बस बच्चों को खाना लगाने लग गई हूँ, एक्चुअली अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7:30 का टाइम हुआ है और हम लोग टाइम से ही वहाँ पहुँच गए थे शॉपिंग पर, क्योंकि 6 बजे आज अंधेरा होने लगा है तो मगरिब के बाद ही चले गए थे और ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हम लोगों ने वहाँ पर, और 7:30 पर हम लोग घर पर आ गए थे, 7:15-7:30 पर, 1 घंटे के अंदर ही आ गए थे, 1 सवा घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही आ गए थे। तो बच्चों को क्या है, एक्चुअली नॉनवेज के शौकीन है बच्चे, तो उन लोगों को भूख लगने लग गई है, तो हम लोगों को तो अभी टाइम था खाने में, कुरैसी जी को एक काम था क्योंकि एक्चुअली वो दिन में कोई काम नहीं कर पाए, नाइट ड्यूटी करके आए थे, सो के गए, फिर मुझे शॉपिंग पर ले गए तो उनको अपना काम भी निपटाना था तो वो चले गए थोड़ा सा। तो मैंने कहा बच्चों से आप लोग खा लीजिए क्यों ठंडा कर रहे हैं खाना, तो बच्चों को अभी मैं लगा देती हूँ। और बस तो अच्छा कलेक्शन था पैंटलून में, मुझे तो पसंद आया, पार्टी वेयर कैजुअल वेयर दोनों ही पसंद आया, और आप कर सकते हैं चेकआउट, दीपावली ऑफ़र भी वहाँ पर चल रहे हैं अभी। और खाने में पैक करवाए हम लोगों ने, बिरयानी पैक करवाई थी और हम लोगों ने सीख कबाब पैक करवाया था, सालन और रुमाली रोटी और तंदूरी चिकन था और चिकन लॉलीपॉप था, तो ये सब हम लोगों ने पैक करवा लिया था। और एक्चुअली सदर बाज़ार से इलाइट पर पैंटालून है और वहीं पर थोड़ा दूरी पर सदर बाज़ार है, मैं जो भी हम लोग घूमने जाते हैं झांसी के लोग सदर बाज़ार में खाने पीने के रेस्टोरेंट काफ़ी आपको उसी साइट मिल जाते हैं और अच्छे होते हैं, तो वहीं से हम लोगों ने पैक करवाया। और कोई प्री प्लान नहीं था कुछ भी आज का, कोई प्री प्रोग्राम नहीं था, प्री प्लानिंग नहीं थी आज के दिन की, ना तो कुछ ऐसा प्रोग्राम था, मूड नहीं था क्योंकि, और कुरैसी जी भी ड्यूटी गए थे लेकिन उनका जुगाड़ लग गया नाइट ड्यूटी के बाद, मतलब आ गए फिर घर पर, तो बस थोड़ा बहुत हम लोग क्योंकि शॉपिंग हो गई, थोड़ा बहुत शॉपिंग पे ले गए थे वो, तो बस यही सब आज का रहा हम लोगों का। बस वीडियो आपको पसंद आए या नहीं आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस अभी बच्चों को लगा दिया खाना और बिट्टू खा रहे हैं खाना तो बच्चों को नॉनवेज बहुत पसंद है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, डैडी आ रहे हैं अभी, लेकिन हमने कहा चलो आप लोग खा लीजिए तो बस कुरैसी जी और मैं बाद में खा लूँगी। जीके का एग्ज़ाम है ना कल, तो बिट्टू कर रहे हैं अपनी तैयारी जीके की, थोड़ी सी करा दूँ मैं, और खाना पीना हो गया है बिट्टू का, खाना अच्छा लगा, बढ़िया। चलिए तो बताइए वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 25 अगस्त कब होता है वर्ल्ड हेल्थ डे? 7 अप्रैल
एट डे 22 अप्रैल 20 नवंबर 22 अप्रैल वर्ल्ड फर्स्ट मैं इंटेलिजेंट तो है बच्चा लेकिन ध्यान नहीं देता है, सीरियस नहीं लेता है पढ़ाई को बस। ये क्या है? जिस दिन सीरियस हो गया ना समझ लो बस सबको पीछे छोड़ देगा। और क्या, आपका माइंड अच्छा है, शार्प है, पढ़ने में अच्छे हो, थोड़ा सीरियस नहीं लेते हो बस, सीरियस लेने की जरूरत है। और फिर जैसे कि और काम करते हो ना आप अच्छे से, वैसे पढ़ाई भी अच्छे से किया करो। द डैस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर। द डैस पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। The dash help is supplying oxygen to the different body parts. Lungs. It is the only planet with life. It is the smallest planet. Mercury. Largest planet. Jupiter. और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं थोड़ा पढ़ाने बैठ गई हूँ, और तो बस यहाँ पर बिट्टू को मैं रिवाइज़ करा रही हूँ, तो उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। तो कुछ इसी तरह रहा हमारा 29 अक्टूबर मैंने एनिवर्सरी का इस साल का दिन। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग, और जितना भी सूट हुआ मैंने आप तक पहुँचाया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। हम भी आपको अपनी दुआओं में बहुत याद रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।